कोई चीज कितनी बड़ी या छोटी है ये बात क्या उसके आकार से कोई जान सकता है? एक छोटे से बीज में एक बरगद का विशाल पेड़ छुपा होता है। एक छोटी सी कहानी में सदियों पुराने राज। भीम मुक्तेश्वर। हिमालय की तराइयों में बसा ये छोटा सा पहाड़ी शहर अपने अंदर न जाने कितनी कहानियां कितने राज समेटे बैठा है। कहते हैं श्री राम और रावण के युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण की जान पर बन आई और हनुमान जी पूरा संजीवनी पर्वत उठाकर ले जा रहे थे तब इसी जगह उस संजीवनी का एक बीज आ गिरा। संजीवनी की शक्ति आम इंसान को अमर बना सकती थी। इसके यहां होने मात्र से लोग स्वस्थ और दीर्घायु होने लगे। संजीवनी को गलत हाथों में पड़ने से बचाने के लिए इन जंगलों में रहने वाले आदिवासियों ने अपने राजकुमार को संजीवनी और उस वन का रक्षक बना दिया। आज भी हर 50 साल बाद आने वाली अमृत पूर्णिमा की रात इस वन में संजीवनी खिलती है। जिसकी रक्षा करता है उसका रक्षक वन राक्षस। शापित तन आहत मन, शापित है उसका जीवन। संजीवनी से बंधा है वो, घर है उसका ये वन। जो जाओगे भीतर वन के हर लेगा तुमको, देख लिया जिसको एक बार जान लेगा वो। बेटा जमावस है, जंगल धार मत जा। I'm sorry, Parth, but आपको 9th standard repeat करना होगा and school starts from next Monday. Parth, Parth. क्या हुआ? अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है मुझे कि पार्थ फेल हो गया। पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा उसे। इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंफर्ट, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में इस जेनरेशन को सबसे ज्यादा फैसिलिटीज मिली हैं। पर इन्हें अपने स्मार्टफोन्स, टैब्स, फालतू शौकों से फुर्सत नहीं है। व्हाट अ वेस्ट। माँ से बात हो गई है मेरी, वो आ रही है। हमसे तो कुछ कहता नहीं, शायद अपनी नानी से खुलकर बात करे। अनु, हम मॉम के आने का वेट नहीं कर सकते। कुछ कंट्रोल हमें अपने हाथ में भी लेना पड़ेगा ना। हुँ?
पापा मैं तो सेकंड आ रहा क्लास में, मुझे तो ले दो ना स्मार्टफोन। चंकी पहले अपने भाई को पढ़ाओ, उसे पास करवाओ, फिर जो चाहिए मांग लेना। अगले साल उससे आगे निकल जाओगे तो अच्छा लगेगा तुम्हें। अब तक तुम दोनों रूममेट्स थे, अब क्लासमेट भी बन चुके हो, इसलिए नो डिस्ट्रैक्शंस एंड नो स्मार्टफोन्स। कहाँ है तुम्हारा स्मार्टफोन? पकड़ो इसे, पकड़ो। पापा तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं ना। ध्यान से ले जाना इसे। ये आने वाले विश्वानी अमावस के वजह से हो रहा है, वन राक्षस के आने के संकेत है। सच्ची भाई दिन तो खराब कर ही दिए, कम से कम रात की नींद तो अच्छे से लेने दे। सॉरी चंकी, मेरी वजह से पापा ने तुझसे भी सब छीन लिया। और हाँ, कल जितना हो सके ना मुझसे दूर बैठना, और स्कूल में मेरा बड़ा भाई होने की कोशिश भी मत करना। हे कपीश, वन राक्षस के प्रकोप से रक्षा करना मोरे घर की। ईजा, हीमा, विश्यानी अमावस शुरू होने वाली है, आज से 15 दिन तक चौकस रहना जरूरी है, खासकर वन से। चल जल्दी से पूजा शुरू कर। बेटा नया टर्म शुरू हो रहा है स्कूल में, गिव इट योर बेस्ट, ओके? रिपीट ईयर है बट रिजल्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। पापा मैं क्या कह रहा था, अगर हम स्मार्टफोन ले लेते तो भाई के लिए वो लर्निंग ऐप डाल लेते। अरे वही शाहरुख खान वाला, मैंने सुना बहुत अच्छा है। प्लीज संकी, जो पढ़ाई करनी है टेक्स्ट बुक से करो, और बाकी सब जानने के लिए इंटरनेट कनेक्शन है घर पे। पार्थ नाश्ता, क्या जरूरत थी ये बोलने की? भाई बिना नाश्ता करे चला गया। मैंने क्या किया मम्मी? नाश्ता करो चुपचाप, मैं उसे खिला के आती हूँ। पार्थ नेगी, ये क्लास 10th की लाइन है, चल जा अपनी लाइन में। ओ हीरो, तू कैसे फेल हो गया भाई? पहली बार फेल हुआ है। कब तक छिपेगी कैरी पत्तों की आड़ में? किस किस से छिपेगा और कब तक छिपता रहेगा?
Good morning, students. Good morning, sir. Today is the first day of this new academic year. First days, notebook के उस पहले blank पन्ने की तरह होते हैं, जिस पे आप जो लिख लेते हो, वो notebook उसी subject की notebook बन जाती है। तो अगर मैंने अपने notebook के first page में आलिया भट्ट का स्केच बना दिया, तो क्या वो notebook मुझे student of the year बना देगी? है? Dude, it doesn't make any sense. आगे, आगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा हश-हश हो रहा है तुम्हारा बेटा? आओ, मिलो क्लास में। निकालता हूँ तुम्हारा हश-हश। मेरे पास आ सकते हैं। Children, I wish you all the very best. हमारी सीट। हम PP2 से एक साथ बैठते हैं। पर ये मेरी सीट है। आज तो पहला दिन है। तो तेरी सीट कहाँ से हो गई? ओ बेटे, फर्स्ट बेंच पे बैठ के फेल हो गए। फिर तो तुम्हें बैक बेंच की शोभा बढ़ानी चाहिए। चलो हो गया। चलो चलो। चल चल। पीछे बैठ। ओ, टॉम एंड जेरी। बहुत फुदकड़े हो तुम दोनों हाँ? बाहर तक आवाज आ रही है तुम दोनों की। ओ, परेशान कर रहे तुझे? पक्का? मैं तो सिर्फ छोटू, सबसे पहले तो बड़ों से बात करते हैं, तो खड़े होके बात करते क्या करते हैं? बेटा, और आज से मैं या कोई भी सेकंड ईयर स्टूडेंट ये क्लास में एंटर करेगा, तुम सब से खड़े होके विश करोगे, समझे? जॉनसन, क्या हो रहा है? सर, व्हाई आर यू नॉट सिटिंग ऑन योर सीट? इस साल भी नाइन्थ क्लास में रहना है क्या? नहीं सर, मैं तो इन्हें मोटिवेट कर रहा था। सेटिंग अरेंजमेंट्स के लिए तुम लोग अब क्या वास्तु चेक कर रहे हो क्या? Attendance, please. Roll number 1. Present, sir. अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जॉनसन, तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगे ना? पार्थ नेगी, राइट? तुम बैक बेंच में बैठे हो और वो भी इन लोगों के साथ। एक साल फेल होना तुम्हारे लिए काफी नहीं था क्या? अपने माँ बाप का पैसा और टाइम दोनों खराब कर रहे हो। फेल हो गए, तुम भी फेल हो गए। यूज़लेस रिपीटर्स। बैक बेंचर, आप कैसे फेल हो गए बेटा? हम आपको सर बोल सकते हैं, लेकिन बिना नाइट आउट के इट्स अ यूज़लेस टाइटल। हम कहाँ के हम? तू कहीं का राजा महाराजा है क्या? तू तू मुझे नाइटहुड देगा? एक सेकेंड। क्या हुआ? बोलते हैं मेरे को नाइटहुड देगा। हम जॉनसन सर को अकेले खड़े देखे तो लगा इनके भी हमारी तरह कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे, तो हम इनसे फ्रेंडशिप करने आ गए। मगर ये कह रहे कि ये सेकेंड ईयर स्टूडेंट है और हम इन्हें सर बोले। सेकेंड ईयर? पर वो तो कॉलेज में होता है ना। देख यार, फेलियर या सेकेंड ईयर, तू डिसाइड कर ले तुझे क्या कहलाना है। हमारे चाहने पर भी ये सच नहीं बदल जाएगा जॉनसन, हम फेलियर्स हैं। प्रभु प्रभु प्रभु, क्लास नाइन्थ में ना मॉरल साइंस का पेपर नहीं होता, वरना तू तो कंफर्म टॉपर था। हम रॉबिन दंगवाल, हमें ना बड़े होके फाइटर पायलट बनना है, देश की दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देंगे हम। हो गया कांड। जॉनसन जॉर्ज,
आपके परम आदरणीय सीनियर और अब आपके क्लासमेट मिस्टर जॉनसन जॉर्ज का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए। इतना लगाव है इनको पढ़ाई से कि हर साल ये क्लास रिपीट करने पहुंच जाते हैं। और साथ में इनके साइड किक वॉशिंग पाउडर के साथ साबुन की टिकिया मुफ्त। सर स्टैंड स्ट्रेट और एक्सेप्ट करो कि ये उग्रवादियों वाली हरकत तुम लोगों ने की है। सर बॉम्ब वॉशरूम के अंदर फटा और हम बाहर थे। तो तुम क्या बॉम्ब के ऊपर बैठ के फोड़ते हो? डोंट गिव मी स्टूपिड एक्सक्यूजेस। आई वॉन्ट अ प्लेन येस और अ नो। नो सर। डॉक्टर नेगी के बेटे हो तुम, टॉपर थे वो इस स्कूल के, वैसे ये भी हैं, चार्ट को उल्टा कर दो तो देखो ये शैतानी दिमाग इसी का हो सकता है। जस्ट टेल मी द ट्रूथ और मैं तुम्हें जाने दूंगा। जॉनसन ने की ना ये हरकत? नहीं सर। सर जॉनसन ने नहीं किया, वो तो मेरे साथ ही था। याराना गुड, खुद तो लाइफ में कुछ करना नहीं है और जो पढ़ने आए हैं उन्हें पढ़ने देना नहीं है। अच्छी फिलॉसफी है। जिस किसी ने भी ये हरकत की है एक न एक दिन रंगे हाथों पकड़ा जाएगा और जिस दिन मेरे सामने आ गया सीधा स्कूल से बाहर जाएगा अपने जीवन के इकलौते प्रमाण पत्र के साथ, द रस्टिकेशन सर्टिफिकेट। साइड किक वॉच आउट। अगर फेलियर से इतनी नफरत है तुम्हारा पुतला बना के रावण के साथ जला दो। बार बार जिल करने की क्या जरूरत? अगर बिना कुछ किए ही इंसल्ट करवाना है तो कुछ करके करवाएंगे। यार ये हुडा सर का कुछ तो इशू है, पर तू छोड़, तू अपना मूड मत खराब कर। मैंने मेरे मम्मी पापा का नाम भी खराब कर दिया। यार ऐसा होता है कभी कभी, पर इस बार ना, इस बार तू पूरी ताकत लगा देना, 5-5, 6-6 घंटा पढ़ना और फिर पूरी दुनिया को दिखा देना। चल अब मैं चलता हूँ, अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, 10th के बोर्ड एग्जाम्स है ना। नमस्ते आंटी। बेटा अब तुम साहिर को भी नमस्ते कर लो, ये तुमसे आगे की क्लास में है। साहिर का समय बहुत कीमती है, बोर्ड्स है उसके, तो तुम अपने जैसों को ही दोस्त बनाओ। चल साहिर। अम्मी। चलो। अरे अम्मी। और भी पार्थ सब बढ़िया? द फुद्दू फेलियर। चल मिलते हैं। खुद तो लाइफ में कुछ करना नहीं है और जो पढ़ने आए हैं उन्हें पढ़ने देना नहीं है। यूजलेस रिपीटर्स। एक साल फेल होना तुम्हारे लिए काफी नहीं था क्या? बेटा अब तुम साहिर को भी नमस्ते कर लो, ये तुमसे आगे की क्लास में है, तो तुम अपने जैसों को ही दोस्त बनाओ। अरे बेटा जमावे से जंगल धार मत जा। कसूर क्या है मेरा,
क्यों है नाराज तू जिंदगी बिगाड़ा है क्या तेरा मुझसे कट्टी क्यों करने लगी खुशी के दो पल क्यों दे सकी ना मुझको कभी विनीता, ये मिस्टर व्यास की मंथली रिपोर्ट्स हैं। आई थिंक इट्स टाइम वी पुल द प्लग। हाँ ठीक है, तो सीआरसी की फंडिंग पे भी प्लग पुल हो जाएगा। देन लेट्स गो जॉब हंटिंग। यू नो आई एम राइट अर्जुन, बात राइट या रॉन्ग की नहीं है, बात सर्वाइवल की है। और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इस हॉस्पिटल के सारे वार्ड्स उन्होंने बनाए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम इन्हीं की कंपनी ने हमारे हॉस्पिटल को डोनेट किए हैं, सो लेट हिम यूज इट। डॉक्टर विनीता, मिस्टर व्यास ही पिछले 10 साल से इस हॉस्पिटल का लाइफ सपोर्ट सिस्टम यूज कर रहे हैं, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, वी कैन एंड दिस जेंटलमैन्स पेन। आप इनकी आज की रिपोर्ट तो देखिए जरा। नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना है। मिस्टर व्यास सीआरसी के बेनिफैक्टर हैं and we have to provide him with the best care. अर्जुन, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सुनो, तुम जल्दी घर आओ और प्लीज माँ को फोन करके बोलो। हाँ, मैं मॉम को फोन करके बता दूंगा, हम उन्हें लेने स्टेशन।
फोन अभी भी आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है उसका। चंकी ने कुछ बताया? शायद स्कूल में कुछ हुआ। बुढ़ा सर ने डांटा था बच्चों को, पर चंकी बता रहा था पार्थ के दोस्त को ज्यादा डांट पड़ी थी। चंकी को पार्थ के साथ नहीं आना चाहिए, भाई है दोनों पर घर अलग अलग आते हैं। काम डाउन अनु, बच्चों पर इतनी सी डांट का कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवे पार्थ स्कूल से तो साहिर के साथ ही निकला होगा ना? मेरी साहिर से बात हुई थी, कह रहा था कि आंटी मेरे घर तक हम साथ ही थे, फिर पार्थ आगे बढ़ गया। साहिर के घर से हमारे घर तक एक रास्ता हमने देख लिया है, दूसरा रास्ता हाईवे की तरफ जाता है, वहां चलते हैं। यहां सुनो चाचा, बहुत अच्छा फैमिली प्लान है, दे दूं चार सिम? ना हमारे फैमिली है और ना चार लोग हैं, काहे मगज खा रहे हो? दुकान बढ़ाने दो हमको, आज अमावस है। अरे चाचा, चार लोगों को गिफ्ट ही कर देना, फैमिली ना सही, मरोगे तो कम से कम कंधा तो देंगे। मरने से याद आया, लाइफ इंश्योरेंस का सोचे? अरे ले लो ना लाइफ इंश्योरेंस तो ले लो चाचा, किसी का भला हो जाए। अरे अरे नमस्ते डॉक्टर साहब, दीदी आप यहाँ? नमस्ते। पार्थ स्कूल से घर नहीं आया है। लो, तुमने पार्थ को इधर देखा क्या? नहीं हमने नहीं देखा। भैया आपने देखा क्या, किसी बच्चे को स्कूल यूनिफॉर्म में 13-14 साल का साइकिल के ऊपर? पीली शर्ट पहनी है। देखा देखा मैंने, वो जंगल धार गया है, मैंने उसे रोका था पर वो रुका नहीं, बस चलता गया। कितनी देर पहले? लगभग 1 घंटा पहले। चलो ढूंढते हैं। चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ, आइए। चलो आसपास। पार्थ तो ठीक है बेटा, तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था, यहाँ कैसे पहुंच गया? ये क्या तरीका है पार्थ? अर्जुन हमें कितनी फिक्र हो रही थी पता है, कहीं चोट तो नहीं आई? अच्छा चलो चलो, बहुत अंधेरा हो रहा है, वन राक्षस भी है ना यहाँ पर। हाँ हाँ आप लोग जाइए, मैं साइकिल लेके आता हूँ। पार्थ जा, चल चलो। वैसे यहाँ कैसे आ गया, हम लोग कितने परेशान हो रहे थे पता है, ठीक है ना तू? शायद मैं ही एक अच्छी मां नहीं बन पाई, ना मैं उसके एग्जाम्स का डर दूर कर पाई, ना ही उसके फेल होने के बाद उसको एक सेफ एनवायरनमेंट दे पाई। अर्जुन आई ऑल्सो फेल्ड एज अ मदर। नो अनु, Stop blaming yourself. हर बार माँ बाप ही गलत हो ये तो कोई जरूरी नहीं है ना, It'll be fine. Don't worry. Okay?
आज पार्थ को कुछ हो जाता तो ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। अपने स्टैंड से ना सबको परेशान करना बंद कर पार्थ। आज तेरी वजह से मम्मी और पापा नानी को लेने नहीं जा पाए। पता नहीं बेचारी कैसे आ रही होंगी। ये अनामिका का घर है, आ जाओ। अरे नानी, चरण स्पर्श नानी। जीते रहो जीते रहो। लफू बता कहाँ भटक रहा आज? कहाँ भटकेंगे नानी, हम तो यही है, जीना यहाँ मरना यहाँ। लाइए आपका सामान मुझे दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आपका सामान। हाँ आपका सामान हम ले लेंगे। ओके। हाय हाय लफू। न्यासा, क्यूट नेम। अनु मा, हाय हाय, सो गुड टू सी यू। सेम सेम। सफर कैसा रहा? एकदम ठीक। यो नानी। यो चंक्स। अर्जुन जीते रहो। सॉरी मां, आ नहीं पाया आपको लेने। डोंट वरी। अरे पार्थ कहाँ है? पार्थ आओ बच्चा, नानी से मिलो। पार्थ आ जाओ। पार्थ इस साल फेल हो गया ना, इसलिए नानी को इमरजेंसी में आना पड़ा। हम बहुत क्लोज हैं फैमिली के। अरे नानी। अरे माय स्वीट बदमाश। न्यासा यहाँ। ये न्यासा है, ट्रेन में मिली थी। बातों बातों में पता चला यही पड़ोस में उसने घर लिया है, रिसर्च करने आई है, तो हमने कैब शेयरिंग कर ली। अच्छा किया। हेलो एवरीवन। हेलो, वेलकम। थैंक यू। वैसे कैब शेयरिंग का मतलब फेयर शेयरिंग भी होता है, और वो तो आपने किया ही नहीं। मैं कौन हूँ? नानी। और नानी बच्चों से पैसे नहीं लेती। बट प्लीज आई इंसिस्ट। अरे सही कह रही है माँ। और आज रात का डिनर भी आप हमारे साथ करोगे, करेक्ट माँ? करेक्ट। हाँ हाँ, डिनर तो यहीं करेंगे। दीदी जो है ना बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। बेस्ट। चलिए चलिए, ठंड बहुत हो रही है, अंदर चलते हैं। कांता इधर से सामान ले लेना। आइए, संभाल के सीढ़ियाँ हैं। न्यासा ने यूनिवर्सिटी टॉप किया है बॉटनी मास्टर्स में, यहाँ अपने थीसिस के लिए आई है। क्या सब्जेक्ट बताया था? इंडियन आयुर्वेदा एंड मेडिसिनल प्लांट्स, द एंशिएंट न्यू फॉर्मूला। एक्चुअली मैं अपनी हायर स्टडीज के लिए कनाडा जाना चाहती हूँ, और उसके पहले मुझे अपनी थीसिस कंप्लीट करनी थी, तो मैंने सोचा रिसर्च की रिसर्च हो जाएगी, वेकेशन का वेकेशन। तुम्हारा सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू। आप इंडिया छोड़ के जाने वाली? हाँ, अगले साल। वाओ, ऐसी खीर मैंने कभी नहीं खाई। दिस इज सो गुड। कोदो एक खीर है, नानी की स्पेशल। ये अन्न नहीं है, इसे देव अन्न बोलते हैं, सुपर फूड। तुम्हारी थीसिस में यहाँ के लोकल अन्न पर भी पढ़ाई करो। वाओ, कितना कुछ है आपसे सीखने को। देखा, न्यासा दीदी टॉपर हैं, क्योंकि सीखना चाहती हैं सब कुछ। सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। वही वही इंटरेस्ट, एन इंटेंट टू स्टडी लर्न, है ना पार्थ? मुझे पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही बहुत पसंद है, सो इफ यू डोंट माइंड अगर मैं इन दोनों की पढ़ाई में हेल्प कर दूं तो। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। क्यों अर्जुन? नहीं नहीं, आप अपनी पढ़ाई के लिए आई हैं, यू डू दैट, इस सब में इन्वॉल्व मत। नो नो, आई इंसिस्ट, प्लीज लेट मी डू दिस। और इसी बहाने मुझे घर का खाना भी मिल जाएगा, राइट नानी? या ऑफ कोर्स। फिर तो मिलते रहेंगे हम लोग भी।
पार्थ, बच्चे तूने अपनी फेवरेट खीर नहीं खाई? सॉरी नानी, वो पार्थ यहाँ मेरे पास। अब बता, एग्जाम में क्या गड़बड़ हो गई थी? क्या परेशानी है तुझे, बता। पता नहीं नानी, मैं सब कुछ पढ़ के जाता हूँ, मुझे सब आता भी है, लेकिन एग्जाम हॉल में पहुंचते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों। वही तो पता लगाना है, क्यों, क्या हो जाता है वो? कैसे नानी? नानी कहानी एकदम सही टाइम पे आ जाता है। आजा, आज तो कहानी बनती है ना? अरे वाह, कहानी टाइम। अनु, मुझे भी सुन लिए। अरे तूने तो हर कहानी सुन रखी है। तो क्या हुआ, आपके मुंह से तो मैं कितनी भी बार सुन सकती हूँ। आज कौन सी सुनाऊंगी? कौशाम्बी से 10 कोस दूर एक गुरुकुल था। वहां एक गुरुजी थे, उनके पास कई बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार गुरुजी ने अपने शिष्यों से पास के तालाब से उनके लिए एक एक टोकरी पानी लेकर आने को कहा और उन्हें 3 बांस की टोकरियां दे दी। शिष्य सोच में पड़ गए कि बांस की टोकरी में पानी कैसे ठहरेगा। पहले शिष्य की गुरु पे बड़ी भक्ति थी, उसने सोचा गुरुजी ने कहा है तो ये जरूर संभव होगा। वो तालाब से पानी लेने गया, मगर उसके बाहर आने से पहले ही पानी रिस कर टोकरी से गिर गया। उसने बार बार कोशिश की, मगर अंत में थक गया और उसने ये कोशिश ही बंद कर दी। दूसरे शिष्य ने सोचा कि अगर वो टोकरी में पानी भरकर भागता हुआ गुरुजी के पास चला जाए तो शायद पानी रिसने के पहले वो उन तक पहुंच पाए। वो सुबह से दोपहर तक तालाब और गुरुकुल के बीच दौड़ता रहा, मगर हर बार उसकी टोकरी खाली हो जाती थी। शाम तक दोनों थक कर गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी ने पूछा, तीसरा शिष्य कहाँ है? उन्होंने बताया कि वो तो सुबह से वही तालाब में खड़ा है। सूरज डूबने ही वाला था कि अचानक दूर से वो तीसरा शिष्य तेज कदमों से चलता हुआ उन्हें अपनी ओर आता दिखा। जब वो पास पहुंचा तो उसकी टोकरी पानी से भरी हुई थी। सब चौंक गए। गुरुजी खुश हो गए। उन्होंने उसे पूछा कि ये कैसे संभव हुआ। तीसरा शिष्य बोला कि मुझे पता था, यदि आपने काम दिया है तो सोच समझ कर ही दिया होगा। तो जब मैं टोकरी में पानी भरने लगा तो मैंने देखा पानी में पड़कर बांस फूलने लगे हैं। मैं समझ गया कि अगर सही समय तक बांस को पानी में फूलने दिया जाए तो टोकरी के छेद इतने बंद तो हो जाएंगे कि उनमें पानी थोड़ी देर ठहर सके। जैसे ही ऐसा हुआ मैंने पूरी शक्ति लगा दी और पानी की टोकरी लेकर आपके पास आ गया। गुरुजी बहुत खुश हुए और अपने शिष्य को गले से लगा लिया। और इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अगर बांस को पानी में डुबा कर रखा जाए तो वो पानी पीकर फूल जाता है। अरे वाह मेरे साइंटिस्ट, और इस कहानी से ये भी हमें सीखने मिलता है कि युक्ति के साथ थोड़ी सी भक्ति और थोड़ी सी शक्ति का मिलना बहुत जरूरी होता है। हाँ, बिना भक्ति के युक्ति और शक्ति दोनों ही फेल हो जाती है। शांति से सो जाओ, सुबह जाना है। गुड नाइट।